राधे को नाम हनी मोल बोलो राधे 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 को नाम ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे ब्रह्मा भी बोले राधे ब्रह्मा भी बोले राधे विष्णु भी बोले राधे शंकर के करके टकरू से आवाज आई राधे राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना सरयू की धारा से आवाज आए राधे राधे सरयू की धारा राधे राधे को नाम हनी मोल बोलो राधे 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 को नाम अब आप लोग कथा श्रवण करेंगे कि भगवान ने त्रेता युग में क्यों अवतार लिया। भगवान श्री राम ने ऐसा कौन सा कारण बना जिस कारण प्रभु को त्रेता युग में अवतार लेना पड़ा। एक बार की बात है, ऐसे गुरुदेव सदा शिव भोले बाबा बटवृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे बैठे तो तपस्या में मग्न है, भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। तो उसी समय उनके समीप में मैया पार्वती आई, तो जैसे आई तो भगवान की आंख खुल गई और सबसे पहले मुख से शब्द निकला जय मायापति राम। सबसे पहले राम शब्द निकला और वास्तव में प्रभक्त आंख खुले तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लेना चाहिए। तो जैसे ही भोलेनाथ के मुंह से राम शब्द सुना मैया ने, तो मैया पूछ लगी हे प्रभु कि ये माया पति है राम कौन। पार्वती मैया कहती और ये माया पति है राम कौन जिनकी इतनी धुन है मन में। ये माया पति है राम कौन जिनकी इतनी धुन है मन में क्या वही जाने की जीवन है क्या वही जाने की जीवन है जो व्याकुल बिछड़े ये बन में मैया पार्वती कह रही हैं स्वामी आखिर ये राम हैं कौन जिनका आप हर समय नाम जाप करते रहते हो। अरे क्या वही सीता के पति हैं जानकी के जीवन हैं जो सीता के लिए व्याकुल होकर बनबन घूमे थे। हे प्रभु अगर वही सच्चे भगवान हैं तो आप मुझे बताओ कि आखिर उन्हें इस इंसान के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा।
जैसे मैया पार्वती के वचन सुने हैं तो भगवान भोलेनाथ कह लेंगे पार्वती साधु दूरा बहनी जो कोई गूढ़ बात होती है ना, रहस्यमयी बात, उस बात को संत लोग छुपाते नहीं है, छुपाते हैं हर किसी के आगे कहते नहीं। अगर कोई उस बात का सुनने वाला अधिकारी मिल जाए तो उसके सामने संत लोग वो बात छुपाते नहीं है। आज इतने बिने भरे निर्दोष वचनों को सुना है भोलेनाथ ने तो कहने लगे पार्वती कि प्रथम सुता रन कहा वो बिचारी प्रथम सुकारण कहो विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बहु भारी। अरे ऐसा कौन सा कारण बन गया जिसके कारण स्वयं पार्वम परमात्मा को इंसान के रूप में आना पड़ा। जैसे ही पार्वती मैया के वचनों को सुना है तो भगवान शंकर कहेंगे हे पार्वती अरे मंगल भवनीय मंगल हारी कहने लगे कैलाशपति द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम कथा सुन पार्वती द्रबहु सुदशरथ भगवान कहते हैं पार्वती जिनका मंगली भवन है अमंगल का नाश करने वाले हैं उन भगवान श्री राम की कथा को ध्यान से सुनो कि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कैसी है सुंदर कर तारी यानी एक हाथ की ताली संशय बिहग उड़ावन हारी। अगर खेत में जब कोई फसल होती है बीज पड़ा हो और पक्षी आते हैं तो हाथ ताली बजाओ तो उड़ जाते हैं, ऐसे ही अगर हमारे हृदय रूपी खेत में कोई संशय रूपी पक्षी बैठ जाए और राम कथा सुना दो तो वो उड़ जाता है। और हे पार्वती कि राम ब्रह्मो ब्याहा पग सग हे पार्वती सारे संसार में राम ब्रह्म के रूप में विख्यात हैं। मैं अब तुमको बताऊंगा कि किस कारण भगवान ने अवतार लिया इस पृथ्वी पर। हो जब जब होई धर्म कहे कोई ना जाने।
हाँ फिर आए गए हम।